मेरा नाम हकीम मुकीम मुरसलीन है और ये चैनल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत, बीमारियां और उनसे मुंसलिक जड़ी बूटियों के बारे में है। सो इफ यू आर न्यू हियर, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द हकीम मुरसलीन चैनल। मेरे वालिद हकीम मुरसलीन पाकिस्तान के बड़े मशहूर नब्बास हकीम थे एंड आई लर्न दिस अमेजिंग पल्स रीडिंग नॉलेज फ्रॉम माई फादर। इट इज पार्ट ऑफ माई PhD स्टडीज टू। It is one of those tacit or non-codified knowledge that I also learned from other ancient civilizations around the world. Nafs Shanasi ka ilm hazaron saal purana hai. It is the arterial kick of the pulse rather than the heartbeat. Aur is kick ya thokar ki kai qisme hoti hain, jaise lambai, chaudhai aur gehrai. Kya ye bagle ki tarah bade elegance andaaz se chal rahi hai ya kisi mendak ki tarah phudak rahi hai? Kya ye sari layan hai ya bati layan? या फिर सरी सल्प या बती सल्प? और फिर आखिर में मुशाहिदा, तजुर्बा और कयास की बुनियाद पर तबीब को इंसानी जिस्म और उससे मुंसलिक रूह का कुछ अंदाजा होता है। हमारा जिस्म और उससे वाबस्ता मुख्तलिफ अमराज बड़े ही पेचीदा हैं। कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए फितरत के साथ बैलेंस को पकड़ना ही सबसे मुनासिब काम है। मुझे पू अली सीना का यह कहना बड़ा अच्छा लगता है कि पत्थर को पहाड़ी से लुढ़का दो, उसे उछालो नहीं। मैं समझता हूं कि शायद इसी तरह हम फितरत की गहराई को देख पाएंगे। दिस वे वी आर मोर कनेक्टेड टू द मेटाफिजिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस यूनिवर्स। इसी एक मिशन के साथ मैं चाहता हूं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करूं, वो क्या खा रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह अपने माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम फितरत के इस ताल्लुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। And for sure, we have the ability to alter our body chemically with our sensory perception. मैं बचपन ही से अपने वालिद के साथ काम करता रहा, and that thirst led me to gain multidisciplinary knowledge from all over the world. आजकल के दौर में हमारा जिस्म बहुत सारे खतरनाक केमिकल से भरा पड़ा है। ये खराब केमिकल हमारे चारों तरफ हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को इन नुकसानदेह केमिकल से दूर रखना होगा। मुझे यूनानी मेडिसिन सिस्टम का ये फलसफा बहुत पसंद है कि पहले अपने जिस्म के इन टॉक्सिन को पकाओ, फिर इन्हें जिस्म से बाहर निकालो और फिर जिस्म को ताकतवर बनाओ। मुंजिज, मुखरिज और तब्रीद। मुंजिज पकाना, मुखरिज निकालना और तब्रीद ताकत देना। हमें अपने जिस्म को एक दूसरे अंदाज से देखना होगा, फितरत के करीब जहां हम रहते हैं और किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। I have my own philosophy of dietary beliefs, sort of like a flexitarian. आप सब कुछ खाएं, मगर moderation और अपने मुनफरिद मिजाज के साथ। I have a very clear picture कि हम किस तरह नए और पुराने ख्यालात और तरीकों को आज के दौर में अप्लाई कर सकें। हमें सबसे पहले उन वजूहात को ढूंढना होगा जिनकी वजह से हम बीमार या डिसबैलेंस लाइफ की तरफ जाते हैं और फिर गजाओं से उनका तदारुक करना पड़ेगा। जड़ी बूटियां, दवाइयां और सर्जरीज तो बाद की बातें हैं। आप क्या खाते पीते हैं, जो खाते हैं हजम भी होता है कि नहीं, आप कितना हिलते जुलते हैं और किस हवा में सांस लेते हैं, कितना सोते जागते हैं और क्या आपकी जिंदगी में जहनी सुकून है कि नहीं। अच्छी और सेहतमंद जिंदगी के ये बुनियादी उसूल हैं। इन सब की तलाश, इनको दूसरों तक पहुँचाना ही मेरी जिंदगी का मिशन है। वो किसी ने खूब कहा कि यही जनून है, यही है ख्वाब मेरा, वहां चिराग जला दूं जहां हो अंधेरा। सो इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड एंड रिसीव नोटिफिकेशंस, मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन बिलो सो यू नेवर मिस एन अपडेट।